36 लोगों की मौत, कई लापता, तलाश जारी। ताजपोशी से पहले सिद्धू और अमरिंदर सिंह की चाय पर हुई मुलाकात। महाराष्ट्र रायगढ़ हादसे में 44 की मौत, गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम ठाकरे से बात, मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात। धारा 24 ए के तहत अपराधों के शमन के लिए सेबी की सहमति जरूरी नहीं, उच्चतम न्यायालय। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पुराना अंदाजा, नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर बेटिंग करते आए नजर, विरोधी पर सादा निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली की सैरगढ़ थाना पुलिस नहीं मानती मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश को। 2 महीने पहले हुई किसान की हत्या के मुख्य आरोपी की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। दरअसल बरेली के सैरगढ़ थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर में 2 महीने पहले मृतक सुरेंद्र एक समारोह में दावत पे गए हुए थे, जहां से लौटते समय उनके ऊपर किसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जहां पर वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए बरेली ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पास के ही लोगों ने तलवार व कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डाला और बंदूक तमंचों से फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है, जिसके कारण पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मेरा मामला है 19 मई 2021 को मेरे चाचा सुरेंद्र पाल की दिन दहाड़े कुख्यात भूमाफिया सुखदेव ने अपने साथियों के साथ तलवार और कुल्हाड़ी से काट काट कर हत्या कर दी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी हत्या के मुख्य आरोपी और अन्य 3 सह आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। थाना शेरगढ़ पुलिस हत्या आरोपियों को पूरा संरक्षण दे रही है। हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, पूरे परिवार की हत्या करने की धमकियां मिल रही हैं, मुकदमा वापस करने की धमकियां मिल रही हैं। खबर है यूपी के कानपुर से, जहां पीड़ित परिवार अपने परिवार के सदस्य को लेकर भर्ती कराने के उद्देश्य से हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी परमट तिराहे के पास अचानक गाड़ी खराब हो गई और परिवार के लोग एम्बुलेंस खराब होने पर रोड पे चिल्लाने लगे। उसी समय ACP कर्नलगंज उस रास्ते से गुजर रहे थे, जिन्होंने तुरंत उनको अपनी गाड़ी में डालकर तुलसी हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां से रेफर होने के उपरांत तुरंत कार्डियोलॉजी स्वरूप नगर हेतु रवाना कर दिया गया और उन्होंने कहा कि उद्देश्य किसी को सहायता देकर शीघ्र सकुशल करने का है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास परमट तिराहा कानपुर नगर में वाहनों की जाम की स्थिति लगी हुई थी कि अचानक जाकर वहां देखा तो एक महिला और एक पुरुष एम्बुलेंस और बचाओ चिल्ला रहे थे, तो देखा तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिसमें अपने मरीज को भर्ती कराने के उद्देश्य से वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उनको बचाने के उद्देश्य से तुरंत अपने सरकारी वाहन में लाद कर और उनके पीड़ित के परिवारजनों को लेकर तुलसी हॉस्पिटल पहुंचा और पहुंचने के उपरांत तुरंत उन्होंने वहां से रेफर कर दिया, जिसको कि एम्बुलेंस के माध्यम से कार्डियोलॉजी कानपुर थाना स्वरूप नगर परिसर में भेजा गया, ताकि उनकी जान बच सके और उनका परिवार सकुशल रह सके। धन्यवाद। खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन शहर से, जहां महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी गुरुवार को वृंदावन आई। यहां उनका रमण रेती मार्ग स्थित गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं द्वारा पटुका उड़ाकर एवं ठाकुरी बाके बिहारी का चित्रपट भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुई मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र एवं राज्य की योगी सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन को सही बताया। वहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल पर कहा कि ये जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी, आज के समय में जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। देखिए, जब भी यहाँ आता है, जो भी आता है, बहुत ही आनंदित होता है और एक मन में शांति का भाव लेके वापस लौटता है। और मैं भी, आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं भी बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने आई हूँ और कौशिक जी महाराज के यहाँ आज उनके गौशाला पे हवन का कार्यक्रम है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। और मैं वृंदावन में ही अपना जन्मदिन आज का मनाना चाहती थी, मैं और मेरी बहू दोनों आए हैं
इन कार्यक्रमों को करके चले जाएंगे, संतों का आशीर्वाद लेके। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के ब्रजमन गंज से, जहां नगर पंचायत में लगभग 250 वर्षों से रेलवे की सुविधा क्षेत्रीय जनता को प्राप्त थी। इसी रूट से दिल्ली और मुंबई तक की गाड़ियां चलती थी, परंतु ब्रजमनगंज स्टेशन पर इनका ठहराव नहीं था। इस संबंध में ब्रजमनगंज क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ब्रजमनगंज स्टेशन दो जिलों को जोड़ते हुए नेपाल सीमा को भी जोड़ता है। स्टेशन पर एक्सप्रेस के ठहराव न होने के कारण यात्री दूर के स्टेशनों से यात्रा कर रहे हैं। ब्रजमनगंज स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव खासकर लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी को रेलवे प्रशासन को पुनः बहाल कर देना चाहिए। ब्रजमनगंज रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने का रेलवे स्टेशन है और ब्रजमनगंज में इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव नहीं है, जिससे आम जनमानस में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ब्रजमनगंज लगभग दो जिलों को जोड़ने का काम करता है। सुहास से लेकर के लोटन तक के लोग सिद्धार्थनगर हरिवंशपुर कोठरी जो नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है ब्रजमनगंज। इसलिए इंटरसिटी का रुकना ब्रजमनगंज के लिए और वहाँ के अगल बगल के व्यवसायिक किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर इंटरसिटी ब्रजमनगंज में रुकना शुरू हो जाए तो हमको लगता है पूरे क्षेत्र में व्यवसाय का आयाम बहुत तेजी से। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज में जिलाधिकारी द्वारा दो LED युक्त वाहनों को कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर लोगों को उसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से आज जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर से दो LED वैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना की गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रसारित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों की उपस्थिति में जिलाधिकारी ने प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।